Assalamualaikum viewers, welcome to my channel Nims Info Diary. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा. तो आज बहुत ज़बरदस्त गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं. तो इसके लिए हमने जो है 2 किलो गाजरें ली थी, उनको धो के छील के कद्दूकस कर लिया है और हमने इनको 2 कप चीनी में पकने के लिए रख लिया था. आपने इसको ढक्कन बंद करके स्लो हीट पे पकने के लिए रख देना है. तो इसको जो है वो घंटा भी लग सकता है, लेकिन अगर आप प्रेशर में इसको करेंगे तो ये कुकर के बोलने के बाद जो है 5 मिनट में गाजरें जो है वो गल जाएंगी. चीनी अपना पानी छोड़ेगी और उसी में गाजरें जो है वो गल जाएंगी. पानी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है. तो हमने 5 मिनट चलाने के बाद प्रेशर को तो हमने खोल लिया था, तो चीनी अपना पानी छोड़ दिया, गाजरें इसमें अच्छी तरह गल चुकी हैं. अब हम इसमें जो है वो 1/2 kg घर के बनी हुई मलाई शामिल कर रहे हैं, दूध की जो मलाई आती है तो वो हम शामिल कर रहे हैं. 1/2 kg हमने इसमें शामिल की है. अब हमने इसको मलाई के साथ ही पकाना है, हमने इसमें पानी या दूध शामिल नहीं करना, मलाई के साथ इसको हमने पकाना है. और इसमें बहुत ज़्यादा घी या ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि मलाई का ही काफ़ी सारा घी बन जाएगा. तो मलाई में इसको हम पका रहे हैं. सात से आठ मिनट हमने जो है वो मलाई के साथ इसे पकने देना है, स्लो हीट रखनी है आपने. तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे. हमने बादाम, कोपरा और इलायचियाँ भी शामिल की हैं. आप इसमें काजू, पिस्ता, कुछ भी अपनी मर्ज़ी का ऐड कर सकते हैं. तो इसमें हमने जो है अपने ड्राई फ्रूट शामिल किए हैं और इसके बाद अब हमने इसमें 1 कप जो है वो ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करना है. आप नीडो या एवरीडे कोई भी ले सकते हैं. तो इसकी जगह आप चाहें तो खोया भी ऐड कर सकते हैं. और इसको अब हमने मिल्क पाउडर के साथ भून लेना अच्छी तरह से, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता. तो 10 मिनट हल्की आँच पर भूनने के बाद पानी खुश्क हो गया था, हमने इसे डिश आउट कर लिया. तो बहुत ज़बरदस्त हलवा जो है वो बन के तैयार हुआ है. सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त ये फेवरेट डिश होती है हर किसी की. तो कम इंग्रेडिएंट्स और कम टाइम में हमारा हलवा बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है. आप भी हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिए, इसी तरह हम इसको फॉलो करेंगे, आपका हलवा भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हमारी आपकी आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो इसी के साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. अल्लाह हाफिज़.